हुई थी एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेके हुई थी और इसका उद्देश्य था कि हमारे राज्य में बहुत से ऐसे कृषि उत्पाद मिलते हैं जिनमें कि निर्यात की बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। ना केवल हमारे पास कृषि के ऐसे उत्पाद हैं बट हमारे यहाँ ऐसे कृषक, ऐसे उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इन सारे उत्पाद को बनाने के साथ साथ इनमें कुछ तरह का मूल्य संवर्धन भी करते हैं, जिसकी वजह से इन सारे उत्पाद को विदेश के बाजारों में भेजने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है जिसकी उद्देश्य इस बात से की गई है कि आपको उसको फॉरेन के मार्केट में या विदेश के मार्केट में भेजना है, एक और पॉइंट मैं स्मैट करती हूँ, यदि आपको कोई उत्पाद आपके पास है और आप उसको विश्व के बाजार में ले जाना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि कोई आपके पास उन्नत उत्पाद है कृषि से जुड़ा हुआ, चाहे वो आपके अनाज हो या अनाज से जुड़े हुए प्रोडक्ट हो, जैसे पास्ता हो गया, जैसे आपके पास और भी कुक्ड प्रोडक्ट हो गए, इनको यदि आपको विश्व के बाजार में ले जाना है या फिर आपको भारतीय बाजार में ले जाना है, तो इन्हें बेचने के पहले उन सारे उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। ये पूरी जो ज़रूरतें हैं ये शुरू होती हैं कहाँ से प्रोडक्शन लिया गया है या उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ है से लेके कंज्यूमर के टेबल में पहुँचने तक अलग अलग नियामक बने हुए हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट अंतिम में आपकी टेबल तक पहुँच पाता है। यदि भारत की हम बात करें तो भारत में इन सारे प्रोडक्ट को उन सारे चरणों से गुजर के तब जा करके वो मार्केट में पहुँचते हैं और मार्केट से पहुँचने के बाद में फाइनली हम जैसे कंज्यूमर, आप जैसे कंज्यूमर जो कुछ भी इसका यूज़ कर रहे होते हैं उनके टेबल तक ही पहुंच पाते हैं। उन सारे चरणों में एक सबसे बहुत बड़ा चरण है, वो है जो भी प्रोडक्ट बना है, चाहे वो कुक्ड हो, चाहे वो सेमी कुक्ड हो, रॉ हो, उन सारे प्रोडक्ट की जाँच करना। भारत में इस जाँच को निर्धारित करने का जो पूरा दायित्व है वो FSSAI के ऊपर है। आप सभी जानते होंगे FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सबसे बड़ी बॉडी है जो भारत में जो भी प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में बेचे जाते हैं उनके टेस्टिंग का पूरा भार उनके ऊपर निर्भर करता है। ना केवल भारत में कोई प्रोडक्ट भारतीय बाजार का या भारतीय उत्पादक कोई प्रोडक्ट बनाता है उसे उसको मार्केट में ले जाना है या सेल करना है तो उसके पूरे टेस्टिंग से जुड़ी हुई रेगुलेशन FSSAI कराती है। साथ ही साथ आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि ना केवल हम भारतीय प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से भी हमारे यहाँ आते हैं। आपने बहुत सारे ब्रांड्स सुने होंगे जो पहले भारत में नहीं पाए जाते थे बट आज वो भारत में पाए जाते हैं। वो प्रोडक्ट भी जब भारतीय बाजार में आते हैं तो उन्हें भी उन्हीं नियम कायदे कानून का पालन करना होता है, उन्हीं टेस्टिंग रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है जो कि भारतीय प्रोडक्ट गुजरते हैं। अगेन उन सारे प्रोडक्ट की जांच की जिम्मेदारी होती है जो मुख्य नियामक एजेंसी है वो है FSSAI के ऊपर में। इसके अलावा यदि मेजर जो आज का हमारा मुद्दा है वो है कि यदि हम एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं और एक्सपोर्ट कराने के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे चरण हैं, अलग अलग चरण से होकर के गुजरना पड़ता है, लास्ट का चरण आता है जब आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप उसमें भेजने वाले हैं। अपीडा आपके प्रोडक्ट को आगे तब ले जा रही है जब आपके पास वो प्रोडक्ट जांचा गया है। वो प्रोडक्ट जांचा गया से मतलब है कि जिस भी देश में आप अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहते हैं उस देश के द्वारा जो जो नियम तय किए गए हैं, जो जो टेस्ट तय किए गए हैं, आपके प्रोडक्ट ने वो सारे टेस्ट को पास किया है। इस पूरे टेस्ट को पास करने के बाद ही आपका वो प्रोडक्ट किसी भी फॉरेन मार्केट में जा सकता है। इस पूरे उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार के सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय में के परिसर में एक बहुत ही उच्च स्तरीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इसका कार्य जो था वो 2017 में स्टार्ट हुआ था, बाकी 2018 में सारे उपकरणों को खरीदने के बाद में, सारे चीज़ों को पूरा करने के बाद में,
हमने इस प्रयोगशाला को 2018 में शुरू किया और इस प्रयोगशाला का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, फाइटोसेनेट्री लेबोरेटरी। फाइटोसेनेट्री लेबोरेटरी का मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट से